आप सभी लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा होगा और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि आपकी परीक्षाओं में स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। और वैसे भी मेरा मानना है कि हमारे देश के महापुरुष रहे हैं। छोटी सी उम्र में आपने देखा है कि कितना बड़ा नाम कर गए अपना। हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और आप देखिए कि आजकल की धर्म संसद होती है किस तरह से जहर उगला जाता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन उस समय एक व्यक्ति भारतीय शिकागो में जाता है, धर्म संसद में भाग लेता है और आप देखिए दुनिया भर को अपने प्रति आकर्षित करता है। दुनिया भर के लोग उसे सुनने के लिए आते हैं और आप देखिए उसी कारण काफी वो चर्चा में रहे, सुर्खियों में रहे उस समय, और दुनिया भर में हमारे देश का नाम भी उन्होंने किया हुआ है। दो डेटों से आपकी क्वेश्चन आता है और आप लोग कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक तो है आपका 12 जनवरी, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब, 12 जनवरी को। और एक है आपका 12 अगस्त, 12 अगस्त को क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। फिर से सुन लीजिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है और जो 12 अगस्त है इसके दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कहने का मतलब है कि दुनिया भर में युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो पहली बार सन 2000 में ये मनाया गया था और इसे मनाने का उद्देश्य यही होता है कि युवाओं के मुद्दे, जो भी मुद्दे हैं, उनकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, उनकी ओर लोगों का आकर्षित करना, यानी कि उनकी ओर, उनकी बातों की ओर, उनके मुद्दों की ओर सरकार एक तरह से ध्यान दे। इसी उद्देश्य से आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हो या राष्ट्रीय युवा दिवस हो मनाया जाता है। अभी आप सभी जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, सबसे ज्यादा आप लोगों को संख्या युवाओं की देखने को मिलेगी। एक बार आप लोग भारत देख लीजिए, उसके बाद हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे एशिया में आपको भारत देखने को मिल जाएगा। और भारत में अगर आप देखें पड़ोसियों को, तो श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो 12 जनवरी को क्या होता है, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाया जाता है। मनाते हैं या नहीं मनाते हैं आप लोग, आप भी युवा हैं। और इस दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी शुरुआत 1984 में हुई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहला तो यही पूछ लेगा कि आपका अगर राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में आए तो 12 जनवरी और इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिए 1984 में। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, देश का भविष्य समझे जाने वाले युवाओं में तर्क संगत सोच को प्रोत्साहित करना, इसका मेन उद्देश्य है। और एक तरह से युवा आगे आए, युवा पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन आप लोग देखें कि शिक्षा व्यवस्था ठीक रहे तभी पढ़े लिखे होते हैं, वरना आप देखिए हमारे देश में क्या हालत है। तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है, पहली बार कब मनाया गया था ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। और स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर हम बात करें तो वह वास्तविक रूप से एक तेजस्वी व्यक्ति थे और इनके लिए पश्चिमी जगत को हिंदू धर्म से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है। और वह श्री रामकृष्ण परमहंस के एक उत्साही शिष्य और भारत में हिंदू धर्म का पुनरुद्धार करने में एक प्रमुख शक्ति थे, प्रमुख व्यक्ति रहे। उन्होंने उपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। उन्होंने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषण दिया था। इनके भाषण से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपसे पूछ लेगा कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद के द्वारा भाषण किस सन में दिया गया था, कब दिया गया था, तो 1893 में। या आपसे पूछे कि विश्व धर्म संसद में जब स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था तो ये कहाँ हुई थी, तो याद रखिए शिकागो में। 1984 में भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। अगर हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में इनका जन्म होता है स्वामी विवेकानंद का। और उनके संन्यास पूर्व जीवन में उन्हें नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से आप लोग जानते थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, तो याद रखिए नरेंद्र नाथ दत्त। और उन्हें योग और वेदांत संबंधी हिंदू दर्शन को पश्चिम में प्रस्तुत करने के लिए जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा था, एक क्वेश्चन भी बन सकता है।
कि आधुनिक भारत का निर्माता स्वामी विवेकानंद को किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 1893 में खेतरी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने विवेकानंद नाम धारण किया था, और उन्होंने सबसे निर्धन और निकृष्ट लोगों तक उत्कृष्ट विचारों को पहुंचाने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में। वर्ष 1899 में उन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की, और जो आगे चलकर उनकी उनका स्थायी निवास बन गया था। और आप सभी को मालूम होगा कि 4 जुलाई 1902 में बेलूर मठ में ही उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी। उन्होंने नव वेदांत पश्चिमी दृष्टिकोण से हिंदू धर्म की व्याख्या का प्रचार किया, और वह भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिकता के संयोजन में विश्वास करते थे। तो इनके बारे में ये भी याद रख सकते हैं। इनकी कुछ रचित पुस्तकें भी है, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, उनकी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के नाम है। तो इन्हें वो ये याद रखिएगा, और क्या करेंगे कि एक हम लोग क्लासी पूरी स्वामी विवेकानंद पर ले लेंगे, उनकी बायोग्राफी कवर कर लेंगे, यानी कि उनकी जीवनी, और विस्तार से कभी टाइम मिलने पर उन पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी फिलहाल क्या है कि मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि इन दो डेट में काफी कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। ठीक है।